वेलकम बैक टू द एनिमे बस की एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुटो के ऊपर और एक थ्योरी। तो रिसेंटली बोरुटो मांगा और एनिमे दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया और बोरुटो एनिमे एक ब्रेक पे भी चली गई है। नारुतो की जो ओजी फैंस है जो एक्चुअली बोरुटो एनिमे से थोड़ा हिट कर रहे थे, उन्होंने कैसी थ्योरी बना के रख दी कि शायद से मोस्ट प्रोबेबली हम सब बोरुटो में देख रहे हो एक्चुअली रियलिटी नहीं है बल्कि एक इन्फिनिटी सुकुयोमी सक्सेसफुल हो चुका है और ये सब नारुतो की ड्रीम है कि वो पूरी उसकी लाइफ जी रहा है। एंड उसकी पूरी लाइफ बेसिकली मतलब बोरुटो की पूरी लाइफ जो हमने अभी तक देखी है वो रुटाने में एक्चुअली वो एक ड्रीम सीक्वेंस में है और नारुतो उसे बस एक सपने की तरह जी रहा है। इस थ्योरी को बीच में और हाइप तब मिली थी जब रिसेंटली उन्होंने नारुतो का अनाउंसमेंट किया था कि 20th के लिए कुछ तो बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली, सबको ऐसे ही लग रहा था कि शायद से यही हो जाएगा, मादारा का आवाज आएगा और वो बोलेगा सो दिस वॉज योर ड्रीम नारुतो और हमें वापस से समझेगा कि एक्चुअली ये सब फेक था और बोरुतो कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और हम हमेशा के लिए इन्फिनिट सुकुयो में ही थे। तो क्या लगता है आपको, क्या ये थ्योरी सच होगी या फिर नहीं? मुझे तो नहीं लगता क्योंकि इसमें एक्चुअली इतना पॉइंट भी नहीं हुए और ये बस एक फैन मेड और अच्छी खासी हाइप बनी हुई एक नॉर्मल थ्योरी है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे सिमिलर कंटेंट के साथ ऑन एनिमे बस। तो अंटिल देन सी यू गाइस लेटर। अरिगातो।